Chori! Chakori! Hey, Chakori! Bapu! Maa, Bapu, come here, take water. Hey, Chori. What do you want? Put it in the house. Yes, take it. What is this? अरे देख थारा बापू थारे लिए केला है। हमारे लिए? हाँ। क्या है ये? चूड़िया? ये तो बहुत सुंदर है बापू। हमारा एक दोस्त ने ला का काम शुरू किया है, तो मैंने कह दिया, भाई मारी छोरी वास्ते कुछ दे दे, सो दे दिया। हमारा लड्डे सर किधर है? बापू। ओह। बापू। देख, हमारे लिए चूड़िया लाए। छोरी वास्ते चूड़िया लाए। अपने छोरे को भूल गए? थारे को कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारा लड्डे सर है, जान है हमारी तू तो। थारे वास्ते देख थारा बापू के लाया है बल्ला। बड़ा अच्छा है। ए, ए, मारे बापू मारे लिए बल्ला लेके आए। ए लालू, ए देख थारे पास है कैसा बल्ला। ए जी, छोरी वास्ते चूड़िया और छोरी वास्ते बल्ला, मारे लिए के लाए। थारे वास्ते ना बुढ़िया, थारे वास्ते गोभी लाया हूँ, जाके पराठे बना ले। अरे वास्ते कर लाया ये बाबड़े इधर आ। हेलो कुलाड़ी, किनारे रख दे, आज ही धार कर आई है समर की। देखने में कितना सुखी लग रहा था ये परिवार, माता पिता भाई बहन सब एक साथ कितने खुश थे। पिता ने बेटे को खेलने के लिए बैट ला कर दिया तो बेटे ने कुल्हाड़ी उठा ली। ऐसा क्या हो गया था कि पढ़ने खेलने की उम्र में इस छोटे से बच्चे ने हथियार उठा लिया? क्या ये खुशी झूठी थी? क्या घुट रहा था इस खुशी के पीछे? इतनी सी देर में ऐसी क्या बात हो गई थी? जानने के लिए आइए देखते हैं इस परिवार की बीती हुई जिंदगी। चकोरी, अरे ओ चकोरी, कहाँ जा रही हो? पानी भरने। खैर मैं भी आऊँ। चल दिया। तू तो बड़े दिन में दिखी। हाँ, अरे तेरी चिड़िया तो बहुत प्यारी है। बापू लाए हैं मेरे? हाँ, तेरे तो बड़े मजे हैं। हर रोज बापू कोई ना कोई चीज ला देते। अरे अरे, तुझे तो फिर से बुखार आ गया। ये दवाई भी नहीं खाई, यहीं रख के गई थी और यहीं पड़ी है। ले पानी पी, आराम से। ये बीमारी तो जान लगे जाएगी। अब क्यों फिजूल की बात करती है? कुछ नहीं होगा थारे को। पानी लो, देख लो अपने लाड साहब को। पढ़ाई लिखाई तो इससे होती नहीं, सारा दिन बस कंचों में ध्यान है। 12 का पहाड़ा याद करने को बोला था तुझे, किया या कंचों में भूल गया? इसका बस चले ना तो खाने के डब्बे में भी कंचे भर के ले जाए। अरे 12 का पहाड़ा खा जा रहा है, लेकिन अगर आज उस बिंसू से हार गया ना तो ये सारे कंचे देने पड़ेंगे उसको। अच्छा, इधर आ। अरे अरे सुन, इसका बस चले ना तो सारा दिन कंचों से खेलता रहे। कंचे नहीं हो गए ना जाने सोने का मुकुट हो गया। नहीं, सारा दिन सर पे लेके घूमता है। छोड़ इसे। नहीं माँ, तुम भी इसे कुछ नहीं कहती और ये बिगड़ता जा रहा है एकदम। वो देखो। मुझे नकुर बोल चोरी। अब थारे को बिगड़ने ना दूंगी मैं। चल ये पानी पकड़ और ये दवाई ले, जल्दी से खा ले। अब मुझे ना खानी तेरी दवाई, पिछले हफ्तों से खा रही हूँ, कोई असर ना हुए। देख चकोरी, हे विदेशी, विदेशी दवा की फिजूल खर्च बंद कर। फिर बकवास, फालतू की बात। लो इसे खाओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। लो। देख चकोरी, तेरे बापू को देखती हूँ तो दिल चलता है मेरा। हर दिन रात मेहनत करते हो वो, और मैं घर में बड़ी बड़ी खाट मोड़ूंगी।
तो बकत की रोटी का बोझ बन चुकी हूँ, अब हमारी दवाई का बोझ ना बन सकूं। माँ तू चिंता क्यों करती है, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है ना। वैसे तू सही कह रही है, बापू आजकल बड़े थके थके से लगते हैं। वैसे बापू है किधर? मराई वड़ा में चले रे कटार, ये दिल मारा छना ना 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 ही वड़ा में चले रे कटार। छोड़ इसे बापू, चल कर चल यहाँ से। मैं कहीं भी गिर जाऊँ तो मुझे ढूंढ लेती है, रोज आ जाती है घर ले जाने को। क्या बापू, क्यों इतनी बीत है कि गिरने की नौबत है? पता है तुझे पूरे गांव में ढूंढ के आ रही हूँ मैं, और तू यहाँ गिरा पड़ा मिला। चल अभी घर। जसवंत पड़ा हुआ नहीं होता छोरी, जसवंत जहाँ होता है वही उसका राज होता है। बापू इस गांव का हुकुम। अच्छा मेरे हुकुम, अभी तो घर चल, लेकिन यहाँ से उठ। सूरज, ओ सूरज इधर आ जल्दी, उठा इन्हें। उठा। मारा लड्डे सर। तू मारा राजा बेटा। सब एक तो अफला तो उनकी तरह धोती पहन रहा है, और ऊपर से कोई हंसे भी ना। ना ना अबे बड़ा हो गया हूँ, मन्ने आवे। ये सब छोड़, स्कूल के लिए देर हो रही है, जा जा के तैयार हो। बस थोड़ी है जो चली जाएगी, 10 मिनट पहले पहुँचो या बाद, कमबख्त तुम्हारी वही खड़ी रहती है। बहुत बातें करते, जल्दी कर तैयार हो। ए चकोरी थोड़ा अपने चांद से तो मिलके जा। अरे क्या मिलेगी चकोरी, चकोरी एक है चांद अनेक है। तो ए भुलिया चुप रहे। अरे क्या कर लोगे राजा बाबू? क्या क्या करूंगा? हाँ नहीं क्या रे? नहीं अरे क्या सूरज, सूरज क्या आया बड़ा चार। सूरज कितनी बार बोला तुझे, इतना गुस्सा ना धरा कर अपनी नाक पर, छोटी छोटी बात पर पत्थर उठा के मारने लगता है। मारूंगा, बार बार मारूंगा। कोई थाले को कुछ कहे ये मारे को मंजूर नहीं। ऐसे हिंसा से लड़ाई नहीं जीती जाती, सही राह और सही तरीकों से जीती जाती है, तब जाके मर्द कहलाते हैं। चल अभी जाने दे उन्हें। अरे अरे तुझे तो फिर खांसी का दौरा आ गया, देख कितनी सांस चढ़ रही है तेरी। रुक मैं तेरे लिए गर्म पानी करके लाती हूँ। तेरे बापू को रोटी देने जाना है, भूखा बेटा होगा। तो तू इस हालत में जाएगी तो कहीं गिर पड़ जाएगी, मैं दे आती हूँ बापू का डब्बा। तू ध्यान रखना अपना, मैं बापू का डब्बा दे के आती हूँ, संभल के जाना। हाँ शंकर की जो नई बिंदनी है ना, उसको देख देख के मारा मन बस चाक की तरह उबलने लगती है। गे हाय
बापू डब्बा जल्दी जल्दी खा लेना, थारे पसंद की गर्मा गर्म कढ़ी बनाई है। जसवंत हैं? चकोरी तो बड़ी जल्दी जल्दी जवान हो रही है। जिस किसी की अभी बाग में लिखी है ना, उसका मन चाय की तरह नहीं ज्वालामुखी की तरह भड़केगा। जैसे दारू मिला के पी रहा है मुखी की तरह भड़केगा। ले रोटी ठोस। देख चोरी, अपने भाई को बुला ला रोटी खाने। हाँ, उसको बुला के लाती हूँ। ए जी, खाना तो शुरू करो। तारे को बेटी हो तारी रानी। कान खोल के सुन ले, मैं थारा पति हूँ। वो मारी बेटी ना है, थारी बेटी है। मैं उसका सगा नहीं सौतेला बाप हूँ। अगर इस घर में रहना है तो जो मारे को पसंद है वैसे ही रहना पड़ेगा, ना तो किवाड़ खुला है। तू और थारी बेटी जहाँ चाहे जा सकती। मैं अगर मरना चाहिए ना तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझी? मास्टर हरी, मैं थारे बिना स्कूल नहीं जाऊंगा। चलो ना। सुन छोरे, तारी दीदी ने घड़ो काम पड़ा है घर में और आजकल घना मेहनत भी कर रही है। ये थोड़ी सुस्ता लेने दिया कर इसे। आजा, आज मैं थारे के स्कूल छोड़ूंगा। आजा आजा आजा। मैं थारे को रोज स्कूल छोड़ दिया करूंगा।
बापू ने। चुप हो जा छोरी, हमारे को मालूम है थारा दर्द, चुप हो जा। हमारे को मालूम था, हमारे को कल रात भी मालूम था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तू जाग रही थी तो रोका क्यों नहीं इस राक्षस को, हमारे पास क्यों आने दिया उसे? ऐसे रोकती है, मैं लुगाई हूँ उसकी, पर लुगाई की फर्ज ना पूरी कर सकूँ भी मार के चलते। अरे वो मर जाए, अपने आँख ठंडी करे वो, कम से कम घर में तो है, बाहर नहीं चले जाएगो, कहीं बाहर चला जाएगो तो सर से छत चला जाएगो। तो दो मग की रोटी और उस छत की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। तारे पति को तो मैंने बाप माना था, लेकिन उस कमीने ने, उसने तो मुझे बेटी होना तो दूर, इंसान होने की भी जरूरत नहीं समझी। जसवंत चकोरी का सौतेला पिता था, लेकिन जिस इंसान को पिता का दर्जा मिला हो वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सौतेला ही सही, लेकिन चकोरी ने हमेशा जसवंत को बापू कहा था और उसे अपना पिता मानती भी थी। पेट तो भर रहा है ना, क्योंकि तेरी रोटी की भूख ने तेरे दिल को पत्थर कर दिया, पर मैं नहीं सोऊंगी, ये मुझसे नहीं होता, तेरा पति है तू संभाल। अरे वो मर जाए, अपने आँख ठंडी करे, कम से कम घर में तो है। सुन छोरी, एक कदम और उठाया थाने तो तेरे घर से थारी माँ की अर्थ निकलेगी। सोच ले, थारे हाथ में ही थारी माँ की जिंदगी है। बताओ ना दीदी, बताओ ना, स्कूल का काम है, इसका जवाब क्या बताओ? हो क्या गया थारे को? कब से कह रहा स्कूल का काम करा दो, सुनते ही नहीं हो, बहरी हो क्या? क्या है छोरा, तंग ना कर मुझे, तो कच की जबान हो गई है थारी, जा यहां से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पहले इसका जवाब बताओ। दीदी बताओ ना, दीदी इसे, ना ही मेरे साथ खाती है, ना ही खेलती है, और ना ही पढ़ाती है, बस नाराज होकर घूमती रहती है, न जाने किस बात का घमंड लिए घूम रही है। ये क्या घमंड करेगी बेचारी, इसे घमंड करने का ना हक बचा है ना इज्जत।
अरे छोरी क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मना किया था, कल रात शिकंजे पे दही खा लिया तो पेट खराब होना ही था। चल 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 तुझे अजवाइन खिला दूँ। चल दीदी संभालो। माँ देखते दीदी क्या हो गया, कितनी उल्टी कर रहे, इसे डॉक्टर चार्ज पे ले चल जल्दी। दीदी संभालो। ये होया चोरी ने मारी से जाता, तू जाने के हुए चोरी ने। हेलो सरकारी अस्पताल ले जा। दीदी बहुत दुख है क्या तारे को? तू चिंता मत कर, थारे वास्ते मैंने शिवजी को प्रसाद भी चढ़ाया है, कुछ नहीं होएगा थारे को, मैं और शिवजी है ना थारे साथ। छोरी दूसरी तो बोली घबरा के कि बहन कल रात सपने में मेरे पेट में किसी ने चाकू मार दिया, बहन कहीं मर तो नहीं जाऊंगी मैं। दूसरी बोली चिंता मत कर, सपने में तूने जाने मेरे साथ क्या क्या होता है। कहां कहां से लाता है चिचोरी बात। तेरा धंधा वंदा ठीक ठाक तो? हाँ मोज। चाचा आप यहाँ, आप यहाँ क्या कर रहे, जाइए यहाँ से अभी, मैं बापू को बोल दूंगी। छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे आप, गलत है ये, छोड़िए मुझे। इस गलत काम के लिए तो तेरे बाप को 100 रुपए और दारू की बोतल दी। छोड़िए मुझे। तब जाके उसने तेरे पास आने दिया और तू कर ये है, जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। अपनी अय्याशी से तेरा दिल नहीं भरा, जो अपने दोस्तों को अय्याशी के लिए ले आया, धरने तो शर्म ना है, पर मेरे फूल जैसे बच्चे की तो सोच, क्या बिगाड़ा था थारा, जो तू उसे धंधे पे लगा रहा है। ए बावड़ी, इसी धंधे से घर में पैसे आएंगे, मारी दारू आएगी, तारी दवा आएगी, हैं? मैं कोई गलत काम थोड़े ही कर रहा हूँ। नहीं चाहिए तेरी पाप की कमाई। अरे मारे को धंधे पे लगा दे, मैं कमाऊंगी, मैं खिलाऊंगी तुझे। पर मेरे फूल जैसी बेटी को बख्श दे। रे बुढ़िया, जब तने मारे को नारे जा पाई तो बाहर वालों को केरी जा पाएगी। जब तारी फूल सी बच्ची है ना, वो ही ठीक है हमारे धंधे के लिए। अजय कान खोल के सुन ले, घर में अगर मर चाहिए ना
तो उसकी जरूरत पूरा करना उसके लुगाई का फर्ज हो गया है। दीदी कहाँ हो गए थारे को? आज मैंने रामू के सारे कंचे जीत लिए, वो भी पूरी ईमानदारी से। बड़ा मजा है। हारने के बाद लड़कियों की तरह रोने बैठ गया था वो। आ गई गांव की चांदनी। ये तो रात में भी चांदनी है, दिन में भी चांदनी है। सालो, मैं सब भी रहता तुम्हें। मुंह ना लग इनके। चल यहाँ से। मुंह के मुंह थोड़ी लग रहे, पैसे दे रहे, पैसे। ये, पैसे दे रहे हैं। पैसे दे रहे। दीदी रुको। दीदी मतलब तू बताओ क्या कह रहे थे वो लोग? उस छोरे ने तुझे नोट क्यों दिखाया और क्यों भागा आप वहां से? एक एक को ठीक कर देता था। माँ तू ही बता ना क्यों नोट लिखा उन लोगों ने दीदी को? थारी माँ थारी को कुछ ना बतावेगी कि मरद की कीमत थी वो नोट। तो थारी माँ थारी दीदी से वसूल रही है। माँ दीदी क्या कह रही है? कौन सी कीमत और काहे का मर्द? तो चुप कर, तू जा खेलने जा। अपनी बेटी की जिंदगी को खेल बना के अपने बेटे को खेलने भेज रही है। चल छोरी जल्दी से तैयार हो जा, बिंदिया पाउडर लगा ले। क्यों कहाँ जाना है? ये सवाल ना वापस आने के बाद पूछ लेना। हाईवे जाना है, जल्दी कर ना तो धंधे का टाइम निकल जाएगा। हाईवे वहाँ क्या है? वहाँ ढाबा है, गिराज है, थके हारे ड्राइवर लोग थारे को मोटा मार देंगे। तू तो सौतेला था पर मैंने तो तुझे बाप माना था ना। दारू पी के उल्टिया की मैंने वो तक साफ की ना। मैं थारा बाप हूँ अना तू मारी बेटी। बेटी होना और बेटी जैसी होने में बहुत फर्क हो गया है। और आज से ना ये बाप बेटी को बीच से निकाल दे। अगर तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, तो तेरा मुझ पे कोई हक नहीं है। मैं भी देखती हूँ आज तू मुझे यहाँ से कैसे लेके जाता है। चीख चीख के पूरे गांव को इकट्ठा कर दूंगी। जे तू मारे साथ ना जाएगी ना तो इस घर से थारी माँ की अर्थी जरूर निकलेगी। सोच ले तू चुपचाप मारे साथ जावेगी या अपनी माँ की मौत का बोझ अपने सर पे डाल के पूरे गांव घूमती रहेगी। आजा। उसने अपनी बेटी को कमाई का जरिया बना लिया था। अभी अभी अबॉर्शन के दर्द से गुजरी ये मासूम लड़की अपने सौतेले पिता के हाथों एक के बाद एक जुल्मों की शिकार होती जा रही थी और अपनी मां को बचाने के लिए चकोरी सब कुछ चुपचाप सह रही थी। तो
बाबू नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मारे से, पैसे नहीं है मारे से, नहीं जा रहा मुझे, बाबू नहीं जा रहा मुझे, पैसे ना मिले आजा, नहीं होगा मारे से, नहीं नहीं जा रहा मुझे, छोड़ मुझे, छोड़, सूरज, सूरज, छोड़ मेरी दीदी को, सूरज मारा लाडला बापू देखो आपकी नहीं तुझे सोतेली बहन की पड़ी है तारी सगी बहन सोनी सोतेली भाने थारी सोतेली होगी थारी मेरी तो माँ से ही बढ़कर है दीदी दीदी तारी दीदी ने खोल तेरी बहन का लाड़ कर गया थारे सर पे सगे बाप की नहीं सो सगे बाप का क्या ना मान के सोतेली बहन का सूरज 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 आगे को सूरज सूरज आगे को क्यों आए हमारे को बचा रहे तुम देख इस जानवर ने तेरा भी क्या हाल बना दी आगे को सूरज 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 आगे को दीदी नहीं दीदी बहुत दुखी है दीदी हाय हाय ये क्या हुआ किसने किया सब अरे मरत ने इसको क्यों मारा जसवंत ने पर क्यों दरिंदे से अपनी बहन को बचाने चला था ना इसलिए मारा ऐसे उसके लिए ना तो पराए खून की कोई कीमत है नहीं अपने अरे मैं तो सौतेली थी उसकी पर इसको क्यों जानवरों की तरह मारा उसने अरे हाँ ये सवाल मैं तुझसे क्यों पूछ रही हूँ तो बस चुप्पी धरे बैठी रहना चाहे तेरे बच्चे जिए चाहे मरे पर इस घर में एक मर्द जरूर होना चाहिए है ना सही कहा ना मैंने ना इस घर में जैसे मर्द की कोई जरूरत ना है इस घर में माँ की जरूरत है अगर माँ होती आज ये दिन देखने ना पड़ते मारा लाडला राजा बेटो अपने बापू से रूठा है मारा लड्डे सर माफ कर देना अपने बापू ने थारे को कभी नहीं मारेगा थारा बापू साची पर थारे को भी थारे बापू की सुननी चाहिए थी ना हाँ मैं रोटी खिलाऊं थारा बापू मारे पास राजा राजा सूरज जो कुछ देख रहा था उसके मन पर उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था घर के माहौल के असर से बच्चा दूर भी नहीं रह सकता लेकिन इन घटनाओं ने सूरज को उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था कोई नहीं जानता था उसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा था
बापू। ओ बापू। सर मारा बापू कौन बैठ गया? अगर आज के बाद मारी माँ या मारी बहन को हाथ भी लगाए ना तो मारे से बुरा और कोई नहीं होगा इस घर में। तू अकेलो मर्द को नहीं दूसरो मर्द भी पैदा हो गए है, समझ लेना। पधारो सा मेहरबानी मालिक। के हुई? मारे को ज्यादा मगज मारी पसंद कोनी। जा चकोरी को तैयार करके ले आ। चकोरी से तारे के काम है? कौन है ये? अब तू क्या करने जा रहे है? देख रे दिया, मारे घर में मारे को ज्यादा बस बाजी पसंद कोनी। अब फिर लड़की को यहाँ चुकी कीमत मिलती कोनी? ये लोग चकोरी को दिल्ली ले जावेंगे और वहां से हर महीने ये नोटों की मोटी मोटी गड्डियां भेजेंगे। दिया तेने चोरी नहीं सोने की खान पैदा की खान। चकोरी तू अंदर जा, अंदर से दरवाजा बंद कर ले। छोरे तू क्या देख रहे? पुलिस थाने जा और कह दे गली में पागल कुत्ता होए, इस कुत्ते के गले में पट्टा डाल के लेके जाइयो। ये बकवास कर रही है, अपने मर्द से जवान लड़ा रही तू? ए कौन मर्द? हाँ कौन मर्द? अरे मारे अक्कल पे पत्थर पड़ गए थे तो तू जैसे ना मर्द को मर्द समझ बैठी, और तुझसे तो थारा बेटा बहुत बड़ा मर्द है। कम से कम अपनी बहन के लिए लड़ा तो सही। जाने नहीं दूंगी मैं। तू मारी लुगाई होके मारे को धमकाती है? रुक जा, कोई आगे नहीं जाएगा। अगर मेरी छोरी को छूने की कोशिश करेगा ना तो काट के रखूंगी एक एक को। तू मारी लुगाई होके मारे को धमका बे हैं? माँ बेटी को ना बाहर सड़क पे फेंक दूं तो कोई रोटी का टुकड़ा ना देवे, भूख को मर जाएगी तभी अकर ठिकाने आएगी। मेरी चुप्पी की वजह से मेरी छोरी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैं चुप रही ना तो खत्म हो जाएगी। मैं उसको यातना भुगतने नहीं दूंगी। आ भाई ले जा। छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। अबे जिसम भरोसे का धंधा करता है? ये बात कर रहे हो साहब? ये तुम्हारी छोरी है, किसी ने अपना झूठी सूचना दे दी। ना साहब, ये इसकी छोरी ना है, ना इसका ये बाप है। इस जैसे गिदड़ की शेर ने जैसे चोरी ना होए, और ये चोरी को नोच नोच के काम है इसने। मारी चोरी चुप थी उसकी माँ के कारण। ले जाइए इसे, इसको ले जाइए। ना ये बाप है इसका, चलो। ना ये बेटी है, ले जाओ इसको। सावधान इंडिया के जरिए हमारी आप सबसे गुजारिश है, खामोश मत रहिए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वक्त रहते आवाज उठाइए, फिर चाहे अपराधी कोई भी क्यों ना हो। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।